क्योंकि ये अभी तक के रुझानों में जो, और ये अभी तक जो आंकड़े हैं उनमें ये दिख रहा है कि ये पिछली बार की तरह हो रहा है, बस इसमें फर्क ये है कि पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 का आंकड़ा बन रहा है। तो 113 का आंकड़ा अगर लेना है तो वो कांग्रेस अकेले नहीं ला पा रही है। अगर कांग्रेस 113 का अकेले आंकड़ा नहीं ला पा रही है तो बाकी के वो जो आंकड़े, बाकी की जो सीटें वो कहां से लाएगी? इस वक्त अगर देखें ये नतीजों में तब्दील होता है तो इस वक्त 106 पर है कांग्रेस, तो 7 सीटें जो है वो कहां से लाएगी? क्योंकि अन्य भी पांच है तो ये 107 से 113 पर पहुंचने के लिए भी 6 चाहिए, तो उसको जेडीएस से या बीजेपी से कहीं ना कहीं से जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस उस जरूरत को पूरा कर पाएगी या बीजेपी और जेडीएस मिलकर वो जरूरत पूरी कर लेंगे और 113 पर पहुंच जाएंगे? ये बड़ा आंकड़ा बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये अगर क्षेत्रों की बात करें तो मध्य कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 सीटों का फायदा लिया है, लेकिन कल्याण कर्नाटक, जो कर्नाटक का वो इलाका जो हैदराबाद कर्नाटक पहले कहलाया जाता था, वहां पर 2 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को, 2 सीटों का फायदा हुआ है कांग्रेस को तटीय कर्नाटक में, जहां से लग रहा था कि नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से हुआ है, जहां पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं, 70 सीटें कांग्रेस की ग्रामीण इलाके से आ रही हैं और वहां पे उसने पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं। और कांग्रेस को फायदा, नुकसान जो हुआ है, बहुत अजीब सी बात है कि कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है 4 सीटों का ऐसी सीटों पर हुआ है जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत अहम फैक्टर रोल अपना निभाते हैं, और 10 सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाताओं का अहम रोल है वो बीजेपी जीत रही है और 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो वो वहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन कित्तूर कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है, दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है, तटीय कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है। कित्तूर कर्नाटक में तो 13 सीट का फायदा हुआ है और बीजेपी को बड़े नुकसान हुआ है कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक यानी मुंबई कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र से लगने वाला कर्नाटक। जिलों में देखिए बेंगलुरु शहर में 17-10 में बीजेपी आ गए, 17 बीजेपी 10 कांग्रेस, बेंगलुरु ग्रामीण में 3 कांग्रेस 1 बीजेपी, लेकिन 17-10 बीजेपी कांग्रेस है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो था उसने आखिर में आकर बीजेपी को लगभग 5-7-10 सीटों का फायदा दिया है। और गांधीनगर, बेंगलुरु और शांतिनगर में कांग्रेस पीछे है। उन दिनेश गुंडराव जो फॉर्मर सीएम गुंडराव के फर्जंद है और केपीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो पीछे हैं, और शांतिनगर जहां पीएम मोदी की रैली गई वहां के हैरिस जो एक मुस्लिम का गढ़ है अभी जो आप बता रहे थे वो भी पीछे हैं, और पुलिकेश नगर में बीएसपी थोड़ा अच्छा फाइट दे रही है, जो बीएसपी का एक ही कैंडिडेट है वो जो कांग्रेस से गया था वो भी अच्छा फाइट दे रही है, और पुलिकेश नगर में भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। जी हाँ, तो ये देखिए बेंगलुरु में कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है उसकी शायद कांग्रेस, वो शायद कांग्रेस नहीं एंटिसिपेट कर पाई। बेंगलुरु में जो रोड शो हुआ, जो बेंगलुरु में जो जोर लगाया पूरा आखिरी 2 दिनों में, आखिरी वीकेंड जो शनिवार इतवार आपको याद होगा, जो बेंगलुरु में जोर लगाया प्रधानमंत्री के रोड शो ने, उसने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज से पीछे कर दिया, सत्ता के करीब लाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी उस रोड शो ने, प्रियंका जी बिल्कुल। और